हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, सेल नंबर 0618 RRB JEE का यहाँ पर फाइनल आंसर की पब्लिश कर दिया गया है, तो उसका भी एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फास्टेस्ट सी कंप्यूटर CBT हुआ था, तो उसका यहाँ पर फाइनल आंसर की पब्लिश किया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्शन जो जो कैंडिडेट ने यहाँ पर किया था, तो ऑब्जेक्शन को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों को जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए और फाइनल आंसर की यहाँ पर पब्लिश किया गया था, वो 11/7/19 से लेकर 14/7/19 के बीच में, तो इसके बीच में आप लोगों ने जो जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया था, तो उसके यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, और जो जो क्वेश्चन का यहाँ पर मल्टीपल आंसर था, मतलब बहुत सारे आंसर सेटिक हो रहा था, तो उसको भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि आप लोग जो अपना अपना मॉडिफिकेशन आंसर के यहाँ पर देख सकते हैं विथ क्वेश्चन पेपर, तो उसका लिंक यहाँ पर जो पहले वाला जो लिंक था, तो वहाँ पर आप लोगों को जो जाना होगा, वो 25/7/19 से लेकर 27/7/19 के बीच में आप लोगों को जो है यहाँ पर जाके अपना अपना जो आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं, जो फाइनल आंसर की यहाँ पर RRB ने पब्लिश किया था। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया जा रहा है कि द डिसीजन ऑफ द RRB ऑन द की एंड क्वेश्चन इज फाइनल, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि और कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया जाएगा, यही जो फाइनल यहाँ पर दिया गया है, यही फाइनल है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे आप लोग जो अपना अपना जो क्वेश्चन पेपर को फाइनल जो आंसर शीट है उसको देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो पहला वाला जो यहाँ पर लिंक जारी किया गया था आंसर की चेक करने के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को आना होगा। जैसे कि मैं अभी हूँ RRB चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर जो सिन नंबर 01/03/2018, तो यहाँ पर आप लोगों को आना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लिक हेयर व्यू द मॉडिफाइड की एंड क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ जो पुराना वाला आप लोगों का था, तो वहाँ पर आप लोग चले जाएंगे यहाँ पर मॉडिफाइड आंसर की ऑप्शन पर, यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ आप लोग के पास एक लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप लोगों का दिया गया है इसको दे के आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करके अपना अपना जो मॉडिफाइड आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसको अपना अपना आंसर की को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।